दर्द रिश्तों को फिर से जोड़ने का काम करता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है अपनी और नील के साथ। अवनी के दर्द को नील भी महसूस कर रहा है। अवनी की आंखों में आंसू है तो नील की आंखें भी आज कुछ नम है। क्योंकि अमोल ने आत्महत्या की कोशिश की है और उसे अस्पताल लाया गया है, लेकिन पर्दे के पीछे नील अमोल का मजाक उड़ा रहे हैं। तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है, वो तो बंदा खाते ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहर अब उसने खा लिया तो साल मरेगा तो है नहीं, वो बचे ही रहेगा, क्योंकि अगर मर जाएगा तो उसका ट्रैक खत्म हो जाएगा। तो रियली बैड फॉर हिम, तो नहीं उसका ट्रैक खत्म नहीं हो रहा वो है, बट क्योंकि क्योंकि जो अवनी है, अवनी ने कितना कुछ किया अमोल के लिए, अमन के लिए, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही डिस्टर्ब्ड है। और दूसरी तरफ रिया अमोल के इस कदम के लिए खुद को जिम्मेदार मान रही है। ये सब तेरी वजह से हुआ, सब तेरी गलती है। मुझे गुस्से में अमोल को इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था। रिया का आई डोंट नो प्लान है, मोटिव है, बट क्या है, बट उसके भाई ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की, तो वो भी डिस्टर्ब्ड है, रो रही है वो, जैसे उसका कैरेक्टर है, वो आके मेरे कंधे पे रोती है। रिया, अमोल और अली अपनी और नील की कहानी में क्या मोड़ लेकर आएंगे, इसके लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार। लेकिन फिलहाल अवनी और नील का दर्द के साथ जुड़ा ये रिश्ता दोनों को करीब ला रहा है। मुंबई से सुशीला उपाध्याय के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।